हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कोसाइन रूल ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए, कोसाइन रूल ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल, तो इसमें से कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इन ए स्फेरिकल ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट कॉस स्मॉल ए बराबर कॉस बी कॉस सी प्लस साइन बी साइन सी कॉस कैपिटल ए। और इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टेट एंड प्रूव कोसाइन रूल ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए, हम प्रूव करेंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो फर्स्ट हम जानेंगे इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाती है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हम एक स्पेयर के अंदर थ्री पॉइंट चूज करेंगे। सपोज दिस इज द थ्री पॉइंट। नाउ इसको हम ज्वाइन करेंगे बाय यूजिंग ग्रेट सर्कल आर्क। तो ग्रेट सर्कल क्या है पता चला, हम पहला लेक्चर में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम ज्वाइन किया था। नाउ यहाँ पे हम एक सेंटर मान लेंगे। नाउ इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, इसी तरीके से इसको हम ज्वाइन कर देंगे एंड इसको में भी ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करने के बाद इसका मान लेते हैं जीरो बी द सेंटर। ओके, इसका एंगल स्मॉल है, इसका एंगल स्मॉल बी एंड टोटल एंगल कितना स्मॉल सी। तो यहाँ पे मान लेते हैं इस कैपिटल ए, ये बी, ए सी। नाउ ए बी का बीच में एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ओके, इसी तरीके से इस यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ इसको हम ज्वाइन करेंगे। सपोज दिस पॉइंट डी एंड सी एंड ए के बराबर हम स्मॉल ए मान लेते हैं, डी ई का साइड एंड बी के बराबर स्मॉल बी एंड सी के बराबर स्मॉल सी। तो दिस इज द डायग्राम। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, हम डायग्राम ड्रॉ किया था, इसका एंगल स्मॉल ए स्मॉल बी एंड टोटल एंगल कितना स्मॉल सी। ओके, तो नाउ हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए, लेट ए बी सी बी द स्फेरिकल ट्रायंगल ऑन ए स्पीयर। ओके, ये डायग्राम क्या है, स्पीयर के अंदर डायग्राम होती है। एंड जीरो बी द सेंटर ऑफ द स्पीयर। ओके, एंड ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी, इसको में भी हम ज्वाइन कर दिया। ओके, तो हम डायग्राम देख के लिखेंगे, तभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, नाउ हम क्या करेंगे, इसका एंगल हम एंगल ए ओ सी, ए ओ सी बराबर स्मॉल ए, एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी स्मॉल बी एंड एंगल टोटल एंगल यानी कि ए ओ बी स्मॉल सी। ओके, तो नाउ यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ किया था। ओके, वो हम लिखेंगे, सिंस ए डी इज द टेंजेंट, ए डी इज द टेंजेंट, ए डी इज द टेंजेंट टू द कर्व ए बी। ओके, कर्व कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाती है। ओके, एंड ए इज द टेंजेंट टू द कर्व ए सी, ये वाला टर्म। ओके, तो क्लियर होगा। नाउ एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा थ्योरम करने के लिए। यहाँ पे देखिए, एंगल डी ए ई, ये वाला एंगल डी ए ई हमेशा इक्वल होती है कैपिटल ए का। ओके, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। एंड एंगल ओ ए डी बराबर एंगल ओ ए ई, ये वाला ट्रायंगल ओ ए डी दिस एंगल एंड ओ ए ई दिस एंगल ऑलवेज क्या होती है 90 डिग्री होती है। ओके, तो नाउ अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ऑन द ट्रायंगल ओ ए डी एंड ओ ए ई। दिस ट्रायंगल के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे ओ ए डी एंड ओ ए ई, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। तो दोनों के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो जब हम अप्लाई करेंगे, ओ डी बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ओके, तो हम ट्रायंगल काट करके लिखेंगे, ये वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पे ओ ए डी और ये वाला ट्रायंगल। ओके, ये वाला ट्रायंगल यानी कि ओ ए ई। ओके, इसका एंगल कितना है स्मॉल ए और ये वाला ट्रायंगल का एंगल स्मॉल सी। तो यहाँ पे जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ओ डी बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, इसी तरीके से इसको हम अप्लाई करेंगे ओ ई स्क्वायर इक्वल ओ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, नाउ
सेकेंड चीज क्या है, अगेन बाय यूजिंग कोसाइन रूल ऑफ ए प्लेन ट्रायंगल ओ डी ई एंड ए डी ई। ओके, तो यहाँ पर देखिए डायग्राम पे, तो हम ये ट्रायंगल एंड इस वाला ट्रायंगल के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया था। अगेन हम क्या करेंगे, कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे ऑन द प्लेन ट्रायंगल ए डी ई एंड ओ ओ डी ई, ये नीचे वाला ट्रायंगल एंड दिस साइड, ये दोनों ट्रायंगल के लिए हम कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे। तो कोसाइन रूल क्या है पता चला, यहाँ पे देखिए, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए। कोसाइन रूल ए स्क्वायर बराबर क्या होती है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टूएस बी सी कॉस स्मॉल ए, इज कॉल्ड कोसाइन रूल ऑफ ए प्लेन ट्राइंगल। ओके, तो नाउ यहाँ पे ए वाला ट्राइंगल के ए क्या है बी क्या है हमको पता होना चाहिए। देखिए ओ डी ई, ओ डी ई एंड ए डी ई, ठीक ठीक है। तो यहाँ पे ए कितना होगा, ए क्या है, डी ई का साइड क्या है, ए होगा। ओके, इसी तरीके से ए ई का साइड बी होगा, इसी तरीके से ए डी का साइड सी होगा। ओके, तो ये आपको याद रखना होगा। तो नाउ यहाँ पे हम ट्रायंगल को यूज करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए हम खोल दिया था इस वाला ट्रायंगल के लिए, डी ई स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके, माइनस टूएस ए बी, ये फॉर्मूला हम यूज किया था कॉस स्मॉल ए। तो इसी तरीके से हम इस वाला ट्रायंगल के लिए निकालेंगे, यानी कि ए डी ई, तो इसी तरीके से डी ई साइड क्या है स्मॉल ए, इसी तरीके से ए स्क्वायर ए ई स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए ई ए डी कॉस कैपिटल ए। ओके, क्योंकि हम पता है एंगल ए डी बराबर क्या होती है, कैपिटल ए होती है। ओके, तो इसलिए इसका क्या होगा, एंगल कैपिटल ए होगा। नाउ इसका वैल्यू हम जानेंगे, इस यहाँ पे हम फाइंड करेंगे ए ई का वैल्यू फाइंड करेंगे, नाउ उसके बाद पुट करेंगे, इसी तरीके से ए डी का वैल्यू हम पुट करेंगे। ओके, ये वाला इक्वेशन पे, यानी कि ए डी का वैल्यू कितना होगा, ए डी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ए ई का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे ओ ई स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, तो इसी तरीके से हम फाइंड किया था। नाउ यहाँ पे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर टू, तो नाउ इक्वेशन वन माइनस टू करेंगे, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है एंड राइट हैंड साइड हम माइनस कर देंगे दिस माइनस दिस, यानी कि यहाँ पे क्या है, माइनस जब हम लगाएंगे यहाँ पे माइनस वाला टर्म प्लस होगा, प्लस वाला टर्म माइनस होगा, इसी तरीके से यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस होगा। ओके, तो नाउ राइट हैंड साइड क्या होगा, जीरो होगा, तो यहाँ पे देखिए कुछ टर्म कैंसिल होगा, कैंसिल होगा यहाँ पे ओ डी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे ओ स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा, माइनस ट्वाइस ओ डी ओ ई कॉस स्मॉल ए प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए ई ए डी कॉस कैपिटल ए। ओके, तो नाउ यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर हम भेज देंगे तभी आपको प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया। नाउ यहाँ पे हम टू कॉमन निकलेंगे। ओके, नाउ बोथ साइड हम टू को टू टू कैंसिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमको कॉस ए निकालना पड़ेगा, तो इसको हम वहाँ पर भेज देंगे तभी आपको क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड कर दिया, नाउ यहाँ पे हम सेपरेट करेंगे ओ ए बाई ओ डी ओ ए इंटू बाई ओ ई, इसी तरीके से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो जब हम डायग्राम पे देखेंगे तभी आपको ये वाला टर्म क्या होगा, इन केस ऑफ एंगल सी के लिए यहाँ पे कॉस सी होगा। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे कॉस बी होगा, यहाँ पे कॉस साइन सी होगा, यहाँ पे साइन बी होगा और कॉस कैपिटल ए। तो यहाँ पे हम अरेंज करके लिखेंगे, तो कॉस ए बराबर कॉस बी प्लस साइन बी साइन सी कॉस कैपिटल ए। इसी तरीके से आप कॉस बी के बी के लिए लिख सकते हैं, यहाँ पे जस्ट बी के जगह पर सी होगा एंड कॉस सी के जगह पर ए होगा, तो इसी तरीके से साइन बी के जगह पर सी होगा, सी के जगह पर ए होगा और कॉस कैपिटल बी होगा। इसी तरीके से आपको आप सी के लिए लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो इस वीडियो हम यहीं तक एंड कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।